मुझे बताइए अभी तक का नेटवर्क आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया एंटीना पैड टू कहां तक की सप्लाई, पीएफओ, तो मैं ये मैंने आपको क्या डायरेक्ट ऐसी बता दिया आपको डायग्राम या बोनियो से समझाया? बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक पॉइंट और आपको हर एक चीज ये भी समझाई कि कैपेसिटर भी लगे हैं और कॉइल भी लगे हैं तो क्यों लगे हैं, ये बताया कि नहीं बताया? किसको समझ में आया बताइए? मैं आपसे बोलता हूँ एक और बात, मैं एक और चीज बोलता हूँ, मुझे एक बार और हाथ उठाना इसके बाद। अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है जो वीवो का हो या कोई ऐसा सेट जो लेटेस्ट हो जिसका डायग्राम ना हो और उधर पीएफओ का कोई डायग्राम नहीं है और उधर किसी टेक्नीशियन ने नीचे सारे कंपोनेंट उखाड़ के रखे हैं, तो भी क्या उस पीएफओ का डाटा सीट निकाल सकते हैं और उससे जंपर निकाल के नीचे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? उनको लगा सकता है क्योंकि आपको पता है कि उसका डाटा कैसे निकालना है, डाटा निकालना बताया, लेटेस्ट फोनों का डाटा कैसे निकालते हैं ये मैंने आज आपको बताया। ठीक है, हम तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये बॉम्बे में भी हमारा ये था, वहाँ का भी था, इंस्टीट्यूट था वहाँ पे था, लेकिन वहाँ छोड़ के मैं इतना लंबा है, मैं एमपी आया जबलपुर देवसर से, सोचे कि ऊपर वाले ने हमको इधर तक पहुँचा दिया, चलिए लिखने आना है। तो अभी हमने पहले भी बोला था वो अपना घर पे ईगो रख के आए और यहाँ के लिए टाइम दे और डिसिप्लिन के साथ सारा सीख के जाएगा, मेरी गारंटी है। दिमाग में वो तो आया दिमाग में और ये भी आ गया दिमाग में, इसके पहले आता था मेरे पास रिपेयरिंग में नेटवर्क के सेक्शन का, उसका जो डाइवर्ट हो गया ये हो गया सब मैं उखाड़ फुकाड़ देता था, हमको तो उतना था नहीं मालूम, लेकिन आज हमको मालूम क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ का क्या महत्व है उसका, क्या महत्व इम्पोर्टेंस है उसका। महत्व में फिर हमको इतना मालूम था WTR जो IC होता है, लाओ डालो और दो, हो गया तो सही है, नहीं दिया तो राम राम। अच्छा अभी तो ये सिचुएशन नहीं है ना आपको, हर नेटवर्क सेक्शन किनके साथ था, कितने सेट बने आज? सारे बने सर। कोई नेटवर्क का बाकी है क्या? नहीं सर। कोई सा भी बाकी है क्या? नहीं सर। किसी का भी बाकी है? नहीं सर। बताइए। बहुत अच्छा सर। कैसा रहा क्लास आपको, नॉलेज कितना इनहेंस हुआ आपका बताइए? बहुत ज्यादा फिर नेटवर्क बता नहीं सकते सर, नॉलेज क्या इंक्रीज, हमने एक सेट भी अपना बताया पढ़ा हुआ था मेरे पास। अच्छा, मान के चले विद इन 10 मिनट में सर उठो। 10 मिनट से मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।
आज जो इतना पता नहीं था इतना इजी है नेटवर्क सेक्शन वो पता चला है सर। एक एक चीज़ मालूम पड़ी उसकी आपको? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा रहा सर, आज IPF आर एप के बारे में पढ़ाया था सर। सब चीज़ें क्लियर है आपकी? यस सर। अब कोई सा भी नेटवर्क का फॉल्ट है तो बना सकते कि नहीं बना सकते आप सर? अच्छा डाटा शीट किस किसने बनाई बताइए आप मेरे को, किसने किसने बनाई? सबने बनाई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं बनाई हो? नेटवर्क सेक्शन का क्लास था सर हमारा। हाँ सारे वोल्टेज पता लगे कौन से कितने वोल्टेज आने चाहिए। आज नेटवर्क सेक्शन में मैंने चालू मोबाइल जो था मेरा उसका IC निकाला और फिर पूरा डाटा शीट बनाया और फिर एक ही बार में लगा कि उसको चालू भी कर। चालू भी किया? यस। तो आपसे डन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ डन। आपने डाटा शीट बनी कि नहीं बनी? यस सर। क्लास था बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉलेज मिला, पहले इतना नॉलेज नहीं था। पहले तो बस पता था ये IC होता है, RF IC क्या होती, पर अब कंपोनेंट का भी कितना उस पर रोल होता है वो भी पता चल गया सर। सर आज नेटवर्क सेक्शन का क्लास था, सर ने बहुत अच्छे से समझाया और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा मिला सर। कहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, कहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक है, कहाँ पे चीज़ क्लियर है भाई? यस सर। और IC उठा के उतना कितना GR आता है और कितना ग्राउंड है, कितना NC है, वो सारे पता चल गया सर। और IC डाटा शीट कैसे बनाते हैं वो भी पता चल गया। नेटवर्क सेक्शन का क्लास था जिसमें देव सर बहुत बढ़िया समझाया और चालू हैंडसेट से WTR निकाल के उसमें एक एक वो डाटा शीट बनाया, जितने GR आते हैं क्या है सब वोल्टेज चेक किया। सर आज नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी, देव सर ने उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल बताया और कहाँ वोल्टेज आते हैं, कहाँ फ्रिक्वेंसी आती है सब बताया उसका। एक एक वोल्टेज समझ में आया कि नहीं तुमको? कहाँ पे कितने वोल्टेज चेक करना? जी डाटा शीट भी बनाया। डाटा शीट भी बनाया आपने? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? जी सर। अभी नेटवर्क सेक्शन का क्लास है सर। हाँ बहुत अच्छा था सर, जिसमें कहाँ GR आता है, किसमें कौन सा WTR HDR PFO किसको बोलते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज पता सर। मैंने नेटवर्क का क्लास था, बहुत अच्छा क्लास रहा सर। पहले हमने नेटवर्क का विनय बनाया था जी, आज हमने पहली बार बनाया। अच्छा बहुत अच्छा तरीके से सौज में समझाया है, हम हर सेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब पूरा नेटवर्क समझ में आया कि नहीं आया? शुरुआत कहाँ से करना है, कहाँ पे एंड करना है समझ में आया कि नहीं आया? और कहाँ जंपर मार सकते हो ये भी देखा है। जंपर भी कहाँ मार सकते हो, क्या बाईपास कर सकते हो? हाँ। अच्छा ये बताओ मेरे को कि आपको फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ मिलेगी, ये मालूम पड़ा आपको? हाँ, आज आपका आज नेटवर्क क्लास था, कैसा रहा क्लास आपका? बहुत बढ़िया। ओवरऑल सर आज अब से कोई भी नेटवर्क फॉल्ट आ जाएगा उसको तुरंत बना देंगे सर। नेटवर्क के बारे में, जबकि नेटवर्क पहले तो सर बड़ा भारी लगता था हमको बनाने में, बड़ी दिक्कत होती थी। एक एक कंपोनेंट के बारे में कैसे वोल्टेज को जांच करना है, कैसे फ्रीक्वेंसी को जानना है, इवन उन्होंने DSO से भी बताया हमें। तो आपको ये भी मालूम है फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहाँ पे जाना है? सारे फ्रीक्वेंसी का तो नॉलेज नहीं था, सिर्फ हम वोल्टेज पे वोल्टेज खेलते थे कि चलो वोल्टेज आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो WTR बदल दो। उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था वो क्लियर नहीं था। अभी नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया? अभी उसके शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ होता है? अभी हम नोड 5 प्रो जैसे एंटीना के टिप से जाता है और एंड कहाँ पे होता है पूरा का पूरा मालूम है आपको? शुरू से लेकर अंत तक कैसे बनेगा, किस तरीके से चलेगा वो पूरा जान लिया सर। बताइए। बहुत अच्छा सर। कैसा रहा क्लास आपको? नॉलेज कितना इनहेंस हुआ आपका बताइए? बहुत ज़्यादा फिलहाल। नेटवर्क बता नहीं सकते सर नॉलेज क्या इंक्रीमेंट, हमने एक सेट भी अपना बताया, पढ़ा हुआ था मेरे पास। अच्छा मान के चले विद इन 10 मिनट में सर उसको 10 मिनट नहीं आना है। तो अभी हमने पहले भी बोला था वो अपना घर पे ईगो रख के आए और यहाँ के लिए टाइम दे और डिसिप्लिन के साथ सारा सीख के जाएगा, मेरी गारंटी। जी सर। बताइए रोशन कैसा रहा क्लास आपका? अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा क्लास रहा। एक एक चीज़ समझ में आया तुमको है? क्या PFO, क्या 4G PFO है, क्या ट्रांसीवर है, RF IC आपकी है ना, ट्रांस रिसीवर IC के बारे में समझ में आया पूरा, क्या प्रोटोकॉल है उसके, क्या दिमाग में? वो तो आया दिमाग में और ये भी आ गया दिमाग में, इसके पहले आता था मेरे पास रिपेयरिंग में नेटवर्क के सेक्शन का, उसका जो डाइवर्ट हो गया ये हो गया सब मैं उखाड़ फुकाड़ देता था, हमको तो उतना तो था नहीं मालूम, लेकिन आज हमको मालूम क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ का क्या क्या महत्व है उसका, क्या महत्व इम्पोर्टेंस है महत्व है। फिर हमको इतना मालूम था WTR जो IC होता है लाओ डालो और दो, हो गया तो सही है, नहीं दिया तो राम राम। अच्छा अभी तो ये सिचुएशन नहीं है ना, आपको हर चीज़ का मतलब मालूम पड़ा ना अब, कि आपको कब 2G पे काम करना है, कब 4G पे काम करना है, कब WTR पे काम करना है, RF IC पे काम करना है, कब CPU पे काम करना है, कब सॉफ्टवेयर करना है, पूरा दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? सर देव सर ने ऐसा डाल दिया ना भाई, एक बार क्लैपिंग तो बनती है देव सर के लिए यार। देख के
आए थे ना आप? यस सर। देव सर को देख के आए थे ना आप? यस सर। तो आपका आपका चुनाव कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। सही रहा ना आपका? यस सर। चलिए ठीक है, हम तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये बॉम्बे में भी हमारा ये था, वहाँ का भी था, इंस्टीट्यूट था वहाँ भी था, लेकिन वहाँ छोड़ के मैं इतना लंबा आया, मैं एमपी आया जबलपुर, देव सर से सोचे कि ऊपर वाले ने हमको इधर तक पहुँचा दिया। चलिए वो नेटवर्क का क्लास था आज, जो जो नेटवर्क का इसी में क्या क्या किधर किधर वोल्टेज आता है सब कुछ बोला, फ्रीक्वेंसी भी चेक करके देखते हैं। अभी कोई भी अगर नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो अब वापिस जाएगा, बिना नेटवर्क बने वापिस जाएगा क्या? बनाएगा। हम बढ़िया रहा सर, सर ने नेटवर्क सारे नेटवर्क सेक्शन में कितना कितना वोल्टेज आता है, मतलब आरएफ का डब्ल्यूटीआर का बोले तो सारे ट्रेसिंग। डाटा शीट बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर, बनाया डाटा शीट जी। डब्ल्यूटीआर का पूरा डाटा शीट बनाया था, जो सर ने भी अच्छे बढ़ाया और इधर प्रैक्टिकल भी अच्छा बना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, मजा आ रहा है कि नहीं? नेटवर्क थोड़ा भारी हो रहा था अपन, बाकी हल्का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। एक दिन में हल्का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सर आज नेटवर्क सेक्शन में क्लास था सर। आपने आईसी उठा के लगाया कि नहीं लगाया? जी सर मैंने। और आईसी उठा के लगाने के बाद आपने उसकी डेटा शीट बनाई कि नहीं बनाई? जी सर बनाया सर, और सर ने सब बताया सर कि वोल्टेज कहाँ चेक करना है, कब चेक करना है, और कितने जगह वोल्टेज चेक करना है, कितने जगह जीआर चेक करना है, सारे बताएगा, जितने फॉल्ट सारे बताएगा सर। कॉन्फिडेंस 100% पे है कि 90% पे? 100% सर। 100% यस सर। सबका 100% पे है सर। अच्छी रही क्लास आज, नेटवर्क सेक्शन के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए सर, जो हमारे हमको बनाते वक्त दिक्कत आ रही थी अब दिक्कत नहीं आएगी सर। अभी कोई सेट वापस जाएगा क्या? नहीं सर, सारे वोल्टेजेस के बारे में नॉलेज हुआ आपको, कहाँ फ्रीक्वेंसी मिलती है वो नॉलेज हुआ आपको? यस सर, अब नेटवर्क में कोई सेक्शन कोई सेट वापस नहीं जाएगा जी सर। सर सारे डाउट्स आज दूर हो गए हमारे, एक दो सेट थे वो भी आज सही हो गए। डाउट यहाँ पे डाउट था कि यहाँ से आने से पहले? आने से पहले। आने से पहले यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं जहाँ नहीं डाउट कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। बताओ मेरे को कोई भी सेट रिटर्न जाएगा कि आपका नेटवर्क का? सर नहीं जाना। मैं कोई चलो क्या कर रहे हो इधर देखो सर, ट्रेसिंग कर रहे हैं। आज किसकी क्लास थी हमारी? नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन क्लास थी, कैसा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा सर। समझ में आई? यस सर। कहाँ पे हमें 4 वोल्ट आना चाहिए, कहाँ पे हमें 1.8, कहाँ पे 1 वोल्ट आना चाहिए? यस सर। सबकी क्या बनाया आपने? डाटा शीट में WTR बनाया 2965। कैसा रहा ओवरऑल? समझ में आ रही सारी चीजें? चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी सर। तो आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास थी, तो कैसा लगा ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से एक तरीके से समझाया देव सर ने, सब कुछ बताया सर, कहाँ से कितने वोल्टेज आते हैं क्या रहता है, तो सब कुछ बताया गया पर्टिकुलर? यस सर। तो ऑलमोस्ट अभी ये आपने डाटा शीट बनाया हुआ है सभी आईसीओ का, तो कहाँ पे हमें WTR कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, सारा कुछ बता लेंगे? बता पाएंगे? कैसा लग रहा है अभी ओवरऑल? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर। तो आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास थी, तो कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया सर। समझ में आ रही सारी चीजें? तो ये आपने क्या बनाया हुआ है? जी WTR का डायग्राम सर। 2965 का डाटा शीट बनाया है? डाटा शीट बनाया। तो हमें कहाँ पे कब वोल्टेज आना चाहिए, WTR के पास कितने वोल्टेज आना चाहिए, 4 वोल्ट कहाँ पे आता है, RF PF ये सब पहचान जाएंगे? तो ओवरऑल कैसा रहा? बढ़िया सर। समझ में आ रहा सारा कुछ? चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ क्या कर रहे हैं? जियो का WTR का डाटा शीट निकल रहा है। तो क्या जियो का और स्मार्टफोन का WTR चेंज है क्या, कुछ अलग अलग है? सेम है? सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2965 का इन्होंने GR बनाया हुआ है, तो ये इससे पहले कभी बना पाते थे? नहीं नहीं। अभी कैसा लग रहा है ओवरऑल? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं? डाटा शीट निकाल रहे हैं। डाटा शीट निकाल रहे हैं? हाँ। तो अभी ये जियो में ट्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग स्मार्टफोन में कर रहे हैं, तो जियो का WTR और स्मार्टफोन का WTR अलग है क्या? अलग नहीं, तो वहाँ पर जो रीडिंग मिलेगा वही उसका डाटा शीट होगा। डाटा शीट होगा। तो कैसा रहा ओवरऑल नेटवर्क सेक्शन? ओके यार। समझ में आ रही सारी कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिकल कर रहे हैं? तो ओवरऑल कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं? WTR निकालने वाले हो अभी? WTR ऑन बोर्ड है? ये ऑन बोर्ड है। फोन चालू है तो डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं डेड हो जाएगा ऐसा? कोई डर नहीं है। तो ओवरऑल कैसे रही आज की क्लास हमारी? बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ। तो WTR निकाल के लिए वोल्टेज वगैरह चेक किया आपने? नहीं नहीं अभी अभी तक चेक नहीं किया, मतलब निकाल रहा हूँ अभी। निकाल रहे हैं तो उसके वोल्टेज भी चेक कर लीजिए निकालने से पहले। चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं? WTR तो वो बना रहे हैं सीट, नोट 4 का डाटा शीट बना रहे हैं यहाँ पे सर।
तो कैसी रही आज की क्लास? बहुत बढ़िया। समझ में देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल आप फ्रेशर स्टूडेंट थे तो कैसा भी नॉलेज नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आएगा फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चेक कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप, तो नेटवर्क में कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? RF, PF और हमारा 1.88 जो भी वोल्टेज, 4 वोल्टेज कहाँ पे आता है सब कुछ पता है? हाँ सर। अभी नेटवर्क सेक्शन पूरा फाइंड कर पाएंगे? हाँ सर, फाइंड कर पाएंगे। तो कैसा रहा ऑलमोस्ट आज की क्लास? बहुत अच्छा था। नया यूनिक भी आज मिला, एक यूनिक मिला। हाँ। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल जो आप सोचे थे वो मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, मिल रहे हैं। नेटवर्क सेक्शन से पहले बहुत हार्ड लगता था, अभी कैसा लग रहा है? अभी इजी लग रहा है। अभी इजी लग रहा है? बहुत इजी लग रहा है। बहुत इजी लग रहा है, तो चलिए ठीक है, कंटिन्यू। नेटवर्क नहीं है फिलहाल। ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? डाटा शीट बना रहा हूँ। डाटा शीट SDR IC का बना रहे हैं? SDR लगा, WTR लगा। अब SDR WTR कब निकालना है, कैसे निकालना है, ये प्रैक्टिकल तरीके से पहचान के करेंगे कैसे निकाल देंगे? नहीं, पहचान के करेंगे। क्यों निकालना है, कब हम चेंज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? ये ऑन बोर्ड है? हाँ, ऑन बोर्ड है। ऑन बोर्ड का SDR IC निकाल करके उसका डाटा शीट बना रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है अभी अब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। समझ में आ रही सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? WTR का डाटा सेट बना रहे हैं। WTR तो एक आप जियो फोन में कर रहे हैं, तो क्या जियो फोन का WTR और 5A में WTR के अलग लगे हैं क्या? सेम है। तो ओवरऑल कैसी रही आज की क्लास हमारी? समझ में आ रही सारी चीज़ें? हाँ सर। तो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आता है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए? लोग देखते हैं जनरली नेटवर्क नहीं आता तो अरे WTR चेंज कर दो, WTR चेंज कर दो। क्यों चेंज करना है उसका रीज़न पता चला? जी हाँ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? डाटा शीट बना रहे हैं। डाटा शीट, तो अभी आप कर रहे हैं, कैसी रही आज की क्लास? बहुत अच्छी रही। समझ में आ रही सारी चीज़ें? नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आएगा फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं सर, कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? डाटा शीट बनाया है WTR का। डाटा शीट आपने बनाया है? जी सर, बन गया। तो ओवरऑल कैसी रही आज की क्लास हमारी? क्लास बहुत बढ़िया थी सर। नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आएंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लो नेटवर्क, फेक नेटवर्क या फिर अप डाउन होना, तो ये सारा फाइंड आउट कर पाएंगे? हो जाएगा। पहले क्या नॉलेज नहीं था, अब सर बहुत अच्छे तरीके से बताएं, पूरा इसको निकाल के डाटा से भी आराम से बना सकते हैं इसका। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? डाटा शीट बना रहे हैं। डाटा शीट बना रहे हैं? जी सर। तो कैसी रही आज हमें नेटवर्क सेक्शन क्लास? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है सब कुछ? अच्छा, हम बात करें अगर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आता है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? जी सर। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे अभी तक के सफर के लिए? बहुत अच्छा। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। सब कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, क्या कर रहे हैं अभी? डाटा शीट बन रहे हैं। डाटा शीट बना रहे हैं। तो ओवरऑल कैसी रही आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीन्स बोले तो अगर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट अभी मार्केट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आता है, कब हमें WTR चेंज करना है, कब SDR IC चेंज करनी है, ये सब पहचान जाएंगे? हाँ सर। तो कैसा रहा ओवरऑल क्लास? वेरी गुड सर, एवरी इशू कैन सर रिजॉल्व इट, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ। बिफोर दैट वी थिंकिंग इट इज अ बिग प्रॉब्लम, हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू, हाउ वी कैन डू, पता नहीं है ऐसा। मैं इससे पहले अभी तो इतना ही छोटा हो गया। मेहनत कर रहे हैं अभी आप। हाँ, डाटा शीट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सर। एक बार एक डेटा शीट एक मॉडल का बनाए तो बस सारा में सारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? डाटा शीट बना रहे हैं। क्यों डाटा शीट बनाने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जरूरी बताइए? नेटवर्क के सेक्शन में काम करना तो सर डाटा शीट, वो तो हर एक IC का डाटा शीट बना सकते हैं, पर फिर भी आप जो बना रहे हैं यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, एक रीज़न होना चाहिए। इसलिए कोई हमारे पास सेट आता है मोबाइल के रिलेटेड, मतलब जिसमें ये सेम आई सी लगा दो। आप बार बार चेंज कर चुके, दो बार चेंज कर, तीन बार चेंज कर दिए, नहीं आ रहा है, मेरे को ट्रैक का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो मान लीजिए बार बार चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसी दो तीन बार आपने चेंज कर दिया फिर भी नहीं काम कर रहा, हो सकती है पैड लाइन मिसिंग। बिल्कुल, उसी के लिए GR इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर बार बार जिस लाइन पे हम चेक करेंगे, जिस पैड पे GR नहीं मिल रहा होगा, तो सेम एक दिन से वो लाइन को ट्रेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया सर, एक चीज का इंपॉर्टेंस मिला जानने के लिए। वैसे तो हम कंपोनेंट के काम में पहले काम करते हैं, नेटवर्क के सेक्शन में, तो कंपोनेंट का इतना नॉलेज नहीं था, बस देखते थे कि ये ग्राउंड है तो हो सकता है इसका कोई काम ही ना हो तो उठा के फेंक देते हैं। पर आज जानने को मिला कि हर एक, चाहे वो कॉइल, चाहे वो कैपेसिटर, चाहे वो अपना कोई भी हो, कोई भी कंपोनेंट, हर एक की वैल्यू है उसमें। तो ओवरऑल अच्छा रहा आपको? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? मैं इसका WTR उठाया, तो चलिए कैसी रही ओवरऑल आज हमारी क्लास? अच्छा रहा,
तो जो आप सोच के आए थे वो आपको मिल रहा है यहाँ पे? अच्छा, सब कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये लाइव बोर्ड पे कर रहे हैं? ऑन बोर्ड है सर। इसमें वोल्टेज भी चेक किया आपने? अब लगाया। चलिए ठीक है, निकाला था इसका? हाँ सर, अब लगाया भी। अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? नोट 4 का। हाँ, तो ये आप जो WTR का कर रहे हैं तो कैसा रहा ओवरऑल क्लास हमारी? अच्छा रहा सर। तो कहने का मतलब जो नेटवर्क से रिलेटेड फॉल्ट आएगा फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे अगर आपको कोई देख रहा है क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो? नहीं सर, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, इधर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया हर एक दिन नया मिल रहा है। हाँ सर, हमें पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है सर, सब जो इधर के सर है सबका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, समझ में आता है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं जी? ये रेडमी का नोट 4 सेट है, तो मैं बना रहा हूँ। उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके। कभी नेटवर्क आता है, कभी चला जाता है, मतलब इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला। मैं ट्रेस करके ओके इसको मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो कैसी रही नेटवर्क सेक्शन हमारी? बढ़िया रहा सर। तो जो आप सोच के आए थे इतनी दूर से, तो वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है सर, मिल रहा है। तो पढ़ाने का तरीका कैसा है यहाँ पे? एकदम गुड है सर। बहुत अच्छा है। अच्छा है सर। चलिए, अभी डे बाई डे अभी आपको और भी मिलेगा। जी सर। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क सेक्शन आई से निकल के WTR लगाया, SDR लगाया है, नेटवर्क सेशन कहाँ पे है पहचान जाएंगे? कैसा रहा ऑलमोस्ट क्लास हमारी? अच्छा है, समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हो? आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट हैं और ये पहली बार इन्होंने SDR की निकाल रहे हैं। जी सर, तो SDR ऐसी है, WTR लगा है, MTK CPU है, तो सब नेटवर्क से सब ना पहचान जाएंगे कौन सा RF है कौन सा PFO है। तो अभी आप SDR IC पे काम कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल? ये आप देख सकते हैं SDR 660। तो कैसा रहा ओवरऑल क्लास? बढ़िया रहा सर। समझ में आ रहा सारा? समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? डाटा सीट बना रहे हैं। तो ये अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। तो अपने हाथ से जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए। और ये देख सकते हैं इन्होंने एक एक पॉइंट के एक एक पैड के GR नोट कर रहे हैं। मेहनत है पर वन टाइम है। जी सर, कभी भी आपके पास 2965 का आएगा तो आप इसमें अपना डाटा सेट चेक कर सकते हो। डाटा सेट अपना निकालेंगे। तो कैसा लगा ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही सारी चीजें, रिविजन करने को मिल रहा है। जी सर, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो अपने लाइव सेट से डाटा सीट हमने डॉट कर दिया है ग्राउंड को। तो अभी आपके पास कोई एक फोन भी था जो आप 2 महीने से पड़ा हुआ था, क्या दिक्कत थी उसमें? लगा सर, वो हमारा वीवो का फोन था। जी जी, कोई टेक्नीशियन उसको जाली निकालते समय ऐसे तोड़ दिया था। जी जी जी, क्योंकि ब्लैक पेस्ट के अंदर थी तो उसमें जी जी ध्यान नहीं गया। ओके, निकालने के बाद वन जम्पर में सर हमारा सेट एक जम्पर में काम हो गया। अभी तो कैसा लग रहा है ओवरऑल? बहुत अच्छा सर, एक मैसेज देना चाहता हूं। जी जी जी, एक्चुअली मैं जो यहाँ आना चाहता ना, जी जी, पहली बात ईगो घर छोड़ के आया और डिसिप्लिन लेके आया, तब आए अन्यथा ना आए। ना है नहीं तो और मेहनत करने वाला है। डिसिप्लिन कर रहेगा तो मेहनत कर लेगा। जी जी, डिसिप्लिन नहीं है सर तो मेहनत मुमकिन नहीं है ना। जी जी जी, तो ओवरऑल जो आप सोच के आए थे वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 100% 100% मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो चलिए जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर डाटा सीट बना रहे हैं। तो डाटा सीट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है बताइए, क्यों बना रहे हैं वैसे? सर GR के लिए सर। मतलब कभी भी अगर आपके पास ये IC आती है और एक दो बार आपने IC को चेंज कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसको डाटा से आप से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो आपने सेकंड नंबर पिन पे 419 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑलमोस्ट कैसे रही क्लास हमारी? बहुत अच्छा सर, समझ में आ रही सारा कुछ? जी सर, सब समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ, क्या कर रहे हो? डाटा सीट बना रहे हो? डाटा सीट बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो मतलब? यस सर। तो कैसा रहा ओवरऑल क्लास हमारी? बहुत बढ़िया। तो क्या बोलना चाहोगे अगर आपको कोई फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा है तो? फ्रेशर बंदा आपको देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपने सीखा जो आपने सोच के आया था ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किया था? यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? IC चेंज कर रहे थे। IC चेंज कर रहे हैं, क्यों? इसमें नेटवर्क का फॉल्ट था? जी सर, नेटवर्क का फॉल्ट। तो कैसी रही आज हमारी नेटवर्क सेक्शन? बढ़िया मीन्स नेटवर्क के मार्केट में जो भी फॉल्ट आते हैं उसको फाइंड आउट कर पाएंगे अभी? कहाँ पे हमें WTR कब चेंज करना है, कब कितना वोल्टेज आता है, 1.8 2.8 ये अब देख पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट कैसी रही नेटवर्क सेक्शन हमारे? सर बहुत बढ़िया, समझ में पता ही नहीं सर बिल्कुल। जी जी जी, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं?
सर डाटा शीट तैयार कर। ये डाटा शीट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों बना रहे हैं? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना अगर हम डाटा शीट तैयार करके रखते हैं तो काम बहुत जल्दी हमारा होगा। मतलब आप एक आईसी को दो बार लगा दिया, तीन बार लगा दिया, आपने वोल्टेज चेक कर लिए, क्या पता अगर ये पैड लाइन मिस हो जाए, ये 372 अगर नहीं आ रहा है तो हमारी कभी फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होगी। इसको देख के आराम से हम अपना ट्रैक चेक कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। जी जी जी, तो ऑलमोस्ट कैसी रही आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास? कुछ नया मिला? यस सर, हर एक दिन कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर हमारी नॉलेज हर रोज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, चलिए ठीक है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन की आज हमारी क्लास थी, ऑलमोस्ट सभी सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हुए डाटा सेट बनाते हुए, कल से इनका सॉफ्टवेयर और डेड डायग्नोस चालू हो जाएगा सारा कुछ। तो ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?